आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे 6 सबसे बढ़िया लाइफ टाइम फ्री अकाउंट्स, यानी कि उसमें आपको एक भी पैसा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अब वैसे तो 2023 में काफी सारे बैंक्स ने अपने पुराने वाले लाइफ टाइम फ्री अकाउंट्स को बंद करके कुछ नए लॉन्च किए हैं, तो आज की इस वीडियो में वो सब नए पुराने अकाउंट्स में से हम आपको 6 सबसे बढ़िया लाइफ टाइम फ्री अकाउंट्स बताएंगे। अब 2023 में ICICI का एक माइन अकाउंट हुआ करता था जो कि बहुत बढ़िया था और उस पर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई, लेकिन 2023 में ICICI ने उस अकाउंट को बंद कर दिया। अब जीरो बैलेंस की कैटेगरी में ICICI के पास सिर्फ एक ही अकाउंट है, वो है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जो कि मैं कहूंगा ठीक ठाक है। अब जो गैप ICICI ने मार्केट में खाली छोड़ा था उसको IDFC पूरा कर रहा है। IDFC पूरी तरीके से लगा हुआ है कि वो अपने ऑफरिंग्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं, फिर चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स के बारे में हो या फिर सेविंग अकाउंट। और इसी के साथ हमारा पहला रिकमेंडेशन आता है, वो है IDFC फर्स्ट का प्रथम सेविंग्स अकाउंट। यही अकाउंट हमने 2023 में आपको रिकमेंड किया था। अब इसका जो नाम है प्रथम, ये दर्शाता है कि जिनका एक भी बैंक अकाउंट नहीं है वो इस अकाउंट के साथ शुरुआत कर सकते हैं, और ये खास करके उन लोगों को टारगेट करते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए या फिर जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज है, इनको ये लोग टारगेट करते हैं। IDFC फर्स्ट प्रथम अकाउंट में आप ऑफलाइन ही अकाउंट खुलवा सकते हो, ऑनलाइन ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अकाउंट लाइफ टाइम फ्री तो है ही, लेकिन किसी भी बैंक के ATM के अंदर आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो इस अकाउंट के साथ। और IDFC ना, सच कहूँ तो बहुत ज्यादा अच्छे कस्टमर्स एक्वायर करने की बहुत कोशिश कर रहा है, और इसीलिए इनके जो ब्याज दर है वो भी काफी बढ़िया है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर आपका बैलेंस 1 लाख के नीचे है तो आपको 3% ऑफर करता है, और अगर आपका बैलेंस 5 लाख के ऊपर है तो फिर वो आपको 7% ऑफर करता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर काफी सही माना गया है। उसी के साथ साथ जो IDFC का डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफी बढ़िया है, और उनके पास वैरायटी ऑफ क्रेडिट कार्ड्स है। तो अगर आप IDFC के अंदर एक बेसिक अकाउंट भी खुलवाओगे तो बहुत ही जल्द वो आपको एक प्रीमियम अकाउंट के अंदर अपग्रेड कर देंगे। तो अब जो हमारा अगला अकाउंट है वो भी IDFC का ही है, और वो है IDFC फ्यूचर फर्स्ट। अब IDFC फर्स्ट प्रथम की तरह ही ये अकाउंट भी ऑफलाइन ही आप खुलवा सकते हो, ऑनलाइन नहीं खुलवा सकते। इसमें भी स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है, लेकिन बाकी लोग भी इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब यार, इस अकाउंट के साथ ना एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं इस अकाउंट को खुलवाने के लिए IDFC के ब्रांच गया, फिर उनसे मैंने पूछा कि ये अकाउंट मुझे ओपन करना है, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई भी अकाउंट हम लोग यहाँ पर ऑफर ही नहीं करते। अब मैंने उनसे 2-3 बार पूछा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसा कोई भी अकाउंट ऑफर नहीं करते, बल्कि उन्होंने 2 मुझे ऑप्शंस दिए। एक अकाउंट था विथ मिनिमम बैलेंस ऑफ 10,000 और दूसरा अकाउंट था विथ मिनिमम बैलेंस ऑफ 25,000। अब मैंने उठ के सीधा नोडल ऑफिसर में कंप्लेंट लिख दी। उसके बाद मुझे ब्रांच मैनेजर का फोन आ गया कि यार आप प्लीज आ जाइए, हम लोग आपके लिए ये जीरो बैलेंस अकाउंट खोल देंगे। अब मुझे पता नहीं कि ये लोग पहले क्यों ऑफर नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज हार मत मानना। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि IDFC में ना आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा होने के बाद इस अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि अगर IDFC फर्स्ट प्रथम और ये IDFC फ्यूचर फर्स्ट दोनों जीरो बैलेंस अकाउंट है तो इनमें से बेहतर कौन सा है। देखो, दोनों की कुछ अच्छी बातें भी है और कुछ खामियां भी है। अब खास करके जो फ्यूचर फर्स्ट है वो स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, तो उसमें फीचर्स भी वैसे ही होंगे, और जो प्रथम है वो उनके लिए है जिनको नो नॉनसेंस जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसका डिस्कशन हमारे BKFATI के कम्युनिटी के अंदर भी चल रहा है, जहां पर ऑलरेडी 7,000 से ज्यादा एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आपको भी इन डिस्कशन का हिस्सा बनना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर करना। तो अब हमारा अगला सुझाव है बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस अकाउंट। यहाँ पे सबसे पहले आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रो अकाउंट। इसके अंदर भी ना खास करके स्टूडेंट को ही टारगेट किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसका भी डिस्कशन हमारे कम्युनिटी के अंदर पहले से चल रहा है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ब्रो अकाउंट के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाता है, उसी के साथ साथ आपको एजुकेशन लोन के ऊपर 0.15% का डिस्काउंट मिलता है, और उसी के साथ साथ आपको कोई प्रोसेसिंग चार्जेस भी नहीं लगते। फिर आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि आपको FD जितना ही ब्याज मिलेगा जितना भी आपका एक्स्ट्रा बैलेंस है। तो मुझे लगता है कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट में ना इतने सारे फीचर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। बस एक खामी है इस अकाउंट के अंदर, और वो है कि इसको आपको ज्वाइंट अकाउंट की तरह खुलवाना पड़ता है, यानी कि आप अकेले नहीं खोल सकते, आपको या तो आपके पेरेंट्स के साथ या फिर जो भी आपके साथ है उसके साथ इसको खोलना पड़ता है। और मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, और जो लोग 25 साल से ऊपर है उनके लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा का यह लाइट अकाउंट चेक कर सकते हो। इस अकाउंट के साथ आपको फ्री प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, जिसके अंदर आपको मिनिमम 3,000 का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, नहीं करोगे तो आपको जो डेबिट कार्ड के चार्जेस है वो लगेंगे। और मैंने इस चीज को ऑब्जर्व भी किया है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने ऑफरिंग्स को सुधारने के लिए। 2023 के आखिर में भी इन्होंने काफी सारे कंपनियों के साथ टाइप किया था, जैसे कि Amazon, Swiggy, ताकि वो एक्सक्लूसिव ऑफर्स लेके आ सके। तो इन शॉर्ट कहूँ तो BOB लाइट की जो ऑफरिंग्स है वो आगे आने वाले समय में इम्प्रूव होने वाली है। अब हमारा अगला सुझाव है इक्विटास बैंक का सेल्फ सेविंग अकाउंट। अब जैसे कि इसका नाम ही है वैसे इस अकाउंट की पोजिशनिंग है, और इसके अंदर ना ज्यादातर उन लोगों को टारगेट किया गया है जो कि टेक में रुचि रखते हैं, जो कि टेक सेवी है। और इस बैंक का सबसे बड़ा फायदा है इसका ब्याज दर, जो कि इंडस्ट्री के अंदर सबसे बढ़िया है।
अगर आपका 5 लाख से ऊपर बैलेंस है तो आपको 7% तक का ब्याज देखने को मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया है। बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी इसको खोल सकते हो, और इसका मतलब है कि इस अकाउंट को आप इनके ऐप के द्वारा भी हैंडल कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके का डिजिटल वॉलेट है बजाय किसी सेविंग अकाउंट के, क्योंकि इसमें आपको डेबिट कार्ड के बजाय एक प्रीपेड कार्ड मिलता है और उस प्रीपेड कार्ड को लिंक किया जाता है आपके बैंक अकाउंट के साथ। तो इक्विटास बैंक का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा एवरेज है, लेकिन समय के साथ इम्प्रूव हो रहा है। अब हमारा आखिरी सुझाव है कोटक 811 डिजिटल बैंक अकाउंट। अब कोटक के दो अकाउंट्स हैं, 811 डिजिटल और 811 एज। इसमें से 811 डिजिटल जीरो बैलेंस अकाउंट है, 811 एज में आपको मिनिमम 10,000 का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब कोटक 811 जो है वो पूरी तरीके से एक डिजिटल बैंक अकाउंट है, तो इसको आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन आराम से खुलवा सकते हो, आपकी पूरी KYC ऑनलाइन हो जाएगी। वैसे तो ये काफी अच्छा अल्टरनेटिव है, लेकिन इसमें एक खामी ऐसी है कि अगर आप इनका लिमिटेड KYC अकाउंट खुलवाते हो तो उस पर काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप महीने में आप 10 से 15,000 से ज्यादा डिपॉजिट करोगे तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, या फिर अगर आप 10-15,000 से ज्यादा विड्रॉ करोगे तब भी आपके अकाउंट के ऊपर फ्रीज लग जाएगा। बट ये सारी जो रेस्ट्रिक्शंस है वो सिर्फ लिमिटेड KYC के अंदर है, अगर आप फुल KYC करते हो तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब वैसे तो कोटक को मैंने पर्सनली यूज किया है तो उसकी सिक्योरिटी के बारे में मैं गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा जो कोटक का ऐप है वो थोड़ा सा क्लटर्ड हो गया है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जितने भी दिग्गज बैंक है जैसे कि HDFC, एक्सिस, उनकी तुलना में कोटक का ऐप अभी भी बहुत बढ़िया है। तो ये थे मेरे 6 रिकमेंडेशंस, और अगर आपको हमारे कम्युनिटी के अंदर उन डिस्कशंस का हिस्सा बनना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर करना। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप तक वीडियो पहुंचने में। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।